निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आगरा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सर्किट हाउस में तमाम कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाने के बाद जोरदार नारेबाजी की। मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों के हित में किस तरह से आगे कार्य किया जाना है, इस पर विस्तार से बातचीत की। वहीं जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर भी डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी बात रखी। आगरा पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने हमारे संवाददाता सैयद शकील से बात करते हुए कहा कि हम पहले अनुसूचित जाति में आते थे, हमें बाद में पिछड़ा वर्ग में डालने की साजिश की जा रही है। उसी विसंगति को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। फर्दाफाश हमारी गिनती अनुसूचित जाति में की जाए, ना कि पिछड़ा वर्ग में। पहले विसंगति दूर हो, उसके बाद जनगणना होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर कहा कि पार्टी लड़ने के लिए ही बनती है। हमारा समाधान कांग्रेस ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। कांग्रेस, सपा, बसपा ने हमारा संवैधानिक अधिकार छीना है, इसलिए इन्हें हटाना है। इसलिए मोदी को जीतना भी जरूरी है। साथ ही आगरा में सत्संगी और ग्रामीणों के मुद्दे पर भी बोलते हुए बताया कि वह और योगी सरकार किसानों के साथ हैं। सभी अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की गई है। कोर्ट के निर्णय पर उनकी निगाह टिकी हुई है। और राम को पहली बार दर्शन निषाद राज ने किया था और निषाद राज को गले लगाया था। अब गले लगाया था इस सीट के लिए थोड़ी गले लगाया था, रावण पर विजय जीत के लिए गले लगाया। इसलिए निषाद राज के वंशज को मोदी जी योगी जी गले लगाए। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत कब जीत के देते। जैसे देखिए, जीत कर दिया सब, अब अपर कास्ट कभी कांग्रेस और सपा बसपा में। लेकिन जब रामा की अपर कास्ट के गरीबों का कुछ नहीं कर रही है तो उन्होंने हराव हटाओ, उन्हें मोदी जी साथ आ गए। मोदी जी ने 10% आरक्षण दे दिया अपर कास्ट। महिलाओं को भी सताया जाता था, सब सुरक्षा नहीं थी कांग्रेस सपा बसपा में। महिलाओं ने भी 16% वोट दे दिया मोदी जी को, एक बार आरक्षण भी ला गया। तो हमारा समाज भी आप पहला काम है हटा इन धोखेबाज बहनवान षड्यंत्रकारियों को, जो हमारा संवैधानिक सुरक्षा दिल्ली में बिना शर्त समर्थन करके कांग्रेस और सपा ने, सपा बसपा ने कांग्रेस को समर्थन करके मेरा संवैधानिक अधिकार छीना। तो हमें इन्हें हटाना है सत्ता से, इनको हटाना है जो हमारे आरक्षण विरोधी है षड्यंत्रकारियों को। और सपा बसपा कांग्रेस जाने कि निषादों की वजह से हार रहे निषाद, और भाजपा जाने कि हम निषादों की वजह से जीत रहे। तो हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, जैसे महिला बिल पर, सवर्ण बिल पर सारे विपक्षी भी साथ आए, उसी तरीके जब हारेंगे, जब हम लोग इन्हें हराएंगे और मोदी को जिताएंगे, तो मेरा आरक्षण जो दिल्ली में लटका हुआ है वो सारे लोग समर्थन में आएंगे। 70 साल से आज तो सचिव भर्ती नहीं हो गया, आइए भर्ती तो हुआ भाई 9 साल की बात। मेरे पास ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग होता है। कोई भी आईएएस बनता है तो पहले ट्रेनिंग होता है, उसे 10 साल तो ट्रेनिंग में लग जाते हैं। 12 साल तो भर्ती किसने किया था? भर्ती ने तो किया था ना हाथी कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस ने भर्ती ही किया है तो ओबीसी के लोगों को भर्ती नहीं किया है, एससी के लोगों को भर्ती किया। मैं कर हो गया, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। एससी की भर्ती कर लिया, अब एससी में से हमें निकाल दिया हम लोगों को। अगर हम रहते तो एससी में हम भी आते। ओबीसी की भर्ती किया नहीं इन लोगों ने, क्योंकि अपर कास्ट में जो शिक्षा था उच्च शिक्षा, उसमें कांग्रेस ने शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया। तो जब मेरा आदमी पढ़ाई नहीं रहेगा उच्च शिक्षा में, ग्रेजुएट नहीं रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं रहेगा, पीएचडी नहीं रहेगा, तो कैसे आईएएस बनेगा? तो मेरी पहले बात सुनिए, वहां जाइए ना, जड़ में जाइए कि जिसने पढ़ने ही नहीं दिया, जिसने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया पिछड़े में, तो पिछड़े कैसे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कैसे आईएएस बनेंगे? तो कांग्रेस ने दिया नहीं, मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया और उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया। अब ओबीसी के लोग आईएएस बनेंगे और तब बनेंगे तब सचिव बनेंगे। तो ये तो गलती धोखेबाजी तो कांग्रेस की है कि पिछड़ों को पढ़ने नहीं दिया, आईएएस में बनने नहीं दिया, और आज कहते हैं कि 3% लाएंगे कहां से, हम आज बनाएंगे तो आ जाएंगे। टुकड़े नहीं होने चाहिए, उन्होंने कहा कि मतलब पश्चिम अलग होना चाहिए। टुकड़ा और अलग में अंतर होता है, टुकड़े में काटा जाता है, अलग में अलग का मतलब होता है कि हम अपनी व्यवस्था अलग कर रहे हैं। तो अलग है, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो नहीं हो रहा है, यहाँ राज्य हम लोग अलग कर रहे हैं। उत्तराखंड हुआ, हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि अवध प्रांत था जहाँ हम बैठे हैं, कभी अवध, कभी ये आगरा प्रांत था, कभी अवध प्रांत, दोनों को अंग्रेजों ने जोड़ दिया और जोड़ के बड़ा बना कर हम लोगों को, अपने तो अंग्रेज बड़े हो गए, हमें छोटा बना दिया। अब धीरे धीरे हम उत्तराखंड अलग हो रहा,
पश्चिमांचल हो रहा, पूर्वांचल में, और उधर निषाद राज का राज था, इधर भगवान राम का राज था। तो राज जब था तब राम राज था, मतलब सुख का राज था। तो ये छोटे राज हो जाएंगे, अभी सुख, अभी तो हम सुरक्षा न्याय विकास दे रहे हैं, लेकिन जब राज्य हो जाएंगे तो सारे लोगों को दौड़ना नहीं पड़ेगा कि सहारनपुर से लखनऊ आ जा, ललितपुर से लखनऊ आ जा, उधर जो है सोनभद्र से। देखिए जब शुरू होती है आवाज निकलती है तो निश्चित रूप से, कब महिला आरक्षण बिल आया था, धीरे 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 उसमें समय मोदी ने पास किया ना, कब धारा 370 खत्म करने की बात हुई, खत्म हुआ ना, आज के दिन में कब जो है राम मंदिर बनने की बात पूरा हुआ ना, तो कब से शुरू है आरक्षण का आंदोलन होगा, आज के दिन में ये भी हो जाएगा, आप जो राज्य भी अलग हो जाएगा। मैं तो उसका देखिए न्यायालय आराम से काम करो, जैसे लोकतंत्र में व्यवस्था है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और मीडिया है। तो हम कह रहे हैं मीडिया स्वतंत्र दिखा रहे हैं, कार्यपालिका स्वतंत्र हो गई काम कर रही है, न्यायपालिका अपना देगी न्याय, कानून बनाना है। ईडी तो आज ऐसे कहीं से खरीद के लाया नहीं गया, संवैधानिक व्यवस्था, संविधान, विधायिका ने ईडी को बनाया है, विधायिका ने सारी जांच एजेंसी बनाई है। अंतर इतना ही है कि पिछली सरकारों में ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता था कि जो जनता का पैसा खाए हों, जनता का पैसा रखे हों, ठगे हों, धोखेबाजी की हों, ऐसे लोगों को वो सुरक्षा देते थे, संरक्षण देते थे। और हमारी सरकार एजेंसियों को फ्री छूट दे दी, सजा दिलाने में कामयाब हो रहे। कागज है तभी तो न्यायालय नहीं उनको छोड़ रहा है, कागज है तभी तो न्यायालय में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं न्यायालय में अच्छे रहेंगे, दूध के धुले रहेंगे तो न्यायालय से छूट जाएंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।